हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल आस्था लर्निंग पॉइंट पर। आज हम आपको पेट का एग्जाम देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने जा रहे हैं, भाग और अनुच्छेद। जैसा कि हर इस बार जितने भी प्रैक्टिस सेट सभी सब प्रकाशनों ने लॉन्च किया है, उसमें एक इससे क्वेश्चन आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम आपको भारत के भाग और उसके अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, जबकि जिसके अंतर्गत पहला हम अनुच्छेद और भाग में आपको बताएंगे। पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद 1 से 4 है। दूसरा हम आपको बताएंगे नागरिकता, नागरिकता इसके अनुच्छेद 5 से 11 है। तीसरा मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 है। चौथा है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, नीति निर्देशक तत्व यह भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। चौथा 4 क में ही मूल कर्तव्य है जो कि 51 क में है। पांचवा संघ, संघ अनुच्छेद 52 से 151 है। छठवां भाग है राज्य, राज्य अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत है। आठवां भाग है, सातवां भाग है पहली अनुसूची भाग ख के राज्य, इसका अनुच्छेद है 238 से 89। आठवां भाग है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, इसके अंतर्गत भारत के केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। नौवां है पंचायतें, पंचायतें 243 को से 243 आ तक है। इसमें भी इसको दो भागों में बांटा गया, 9 क और 9 ख। 9 क के अंतर्गत नगर पालिकाएं जो कि 200 नगर पालिकाएं जो कि 243 क से 243 आ तक है, और 9 ख सहकारी समितियां 243 क से 243 या 6 तक है। दसवां भाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसके अंतर्गत 244 से 244 को तक बताया गया। भाग 11 है संघ एवं राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, 264 से 300 क। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307। जो भाग 13 में बताया गया कि भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकता है और वहां पर भ्रमण कर सकता है। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम जम्मू कश्मीर में व्यापार और निवास कर सकते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे भाग 14। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 323, इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 14 का अधिकरण 300 से 300 ख तक है। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329, इसमें भारत के राज्यों में भारत सरकार में कैसे चुनाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में भाग 15 के बारे में बताया गया। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपवन, 303 से 342। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ वर्गों जैसे कि SC ST OBC के बारे में उनको कुछ छूट दी गई है। भाग 16 में बताया गया अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 है राजभाषा, 343 से 351। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी है। भाग 18 आपात उपबंध, 352 से 360, इसके अंतर्गत तीन प्रकार का आपात बताया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद पहले में 352, 356 और 360। नेक्स्ट भाग है 19 प्रकीर्ण, 361 से 367। भाग 20 है संविधान संशोधन, 368, जो कि संविधान संशोधन भारत ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया है। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यह 369 अनुच्छेद 369 से 392 है। लास्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में पक्षिप्त
पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। दोस्तों हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देना चाहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग है, भारतीय संविधान में अनुसूची 12 है जो कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, और भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है, मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है, और बार बार संविधान में संशोधन किया जाता है, तो इस समय लगभग 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।